नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook। बांदा जनपद के बबेरू नगर एवं ग्रामीण में जल निकासी की भीषण समस्या को देखते हुए नगर पंचायत बबेरू में जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी व नगर पंचायत ग्राम पंचायत ने जल निकासी की कई बिंदुओं पर चर्चा करके योजना बनाई है। यह पूरा मामला है बबेरू नगर पंचायत का, आपको हम बता दें जल निकासी की एक भीषण समस्या यहाँ पर उत्पन्न है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल की मौजूदगी में एक बैठक करी गई और जल निकासी के कई बिंदुओं पर चर्चा कर योजना बनाई गई है। देखिए हमारे साथ संवाददाता शिव विलास शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल का क्या कहना है और साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने अपना पक्ष क्या रखा है। देखिए नगर में और ग्रामीण में जल भराव की समस्या, ये बहुत बड़ा इशू है बबेरू का, जिस पर नगर पंचायत की तरफ से भी कई कार्य योजना बना करके शासन स्तर पर भेजी जा चुकी है, लेकिन स्वीकृति शासन स्तर से भी हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान सुनील पटेल जी से हमारी चर्चा हुई और उसी संदर्भ को लेकर के आज एक बृहद बैठक स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, जिसमें वीडियो हमने SDM साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल, ग्राम प्रधान जी हमारे और अन्य हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के लोग, ग्रामवासी भी, कुछ जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे सभासद, एक बृहद सामूहिक बैठक हुई और इस पर बिंदुवार चर्चा हुई है और उसके निदान के लिए संबंधित विभागों को साथ में लेते हुए इसके निदान के प्रयास आज से ही प्रारंभ होंगे, ये तय हुआ। जल कई वर्षों से बड़ी समस्या थी, इस पर अभी परसों सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम प्रधान अपने श्रीमान रामपाल त्यागी जी, अपने चेयरमैन साहब श्रीमान विजय पाल सिंह जी, अपने जिले के महामंत्री भाजपा श्रीमान विवेकानंद गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष राजा जी, राम नरेश मिश्रा जी, अपने सभी लोगों के साथ एक व्यक्तिगत समीक्षा हुई। उसके साथ समीक्षा बैठक के साथ ही परसों के दिन हम बबेरू के चारों तरफ मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया कि पानी का रुकावट कहाँ है, पानी की स्थिति नगर के जाने के बाद ग्रामीण से कैसे निकासी होगी। तो बबेरू के चारों तरफ देखने के पश्चात आज अपने संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अपने SDM साहब, BDO साहब और तहसीलदार साहब, अपने सभी नगर के सम्मानित नागरिकगण उपस्थित रहे। इन सब के बीच में समस्याओं के लिए विभागीय तौर पर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत और केन कैनाल और लघु सिंचाई, इन सभी विभाग, क्षेत्र पंचायत, सभी विभागों को विस्तृत काम बांटते हुए जल्द से जल्द समस्या का निदान करने के लिए निर्देशित किया गया है और यही बरसात से पहले पहले जल्द ये समस्या का निदान हो, इस विषय पर आज विस्तृत चर्चा हुई। ये जमुनियापुरवा बांदा रोड जो आपने विषय रखा, तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत लिखित तौर पर अभी चर्चा हुई है। हम एक पत्र आपको भी दे रहे हैं जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई, आपके भी ध्यान में रहे और जल्द से जल्द हम लोगों की आज बैठे हैं, पुनः फिर इस पर 4 दिन बाद बैठेंगे। कार्य की लगातार हम 4-4 दिन बाद समीक्षा करेंगे कि क्या प्रगति हुई, क्या BDO साहब से हुई, क्या जिला पंचायत से हुई, क्या नगर पंचायत से हुई, इस पर हम लगातार, क्योंकि मीटिंग करने के बाद पुनः उस पर चिंता न की जाएगी तो समस्या बनी रहेगी, उसका हल निदान होने वाला नहीं, इस पर हम व्यक्तिगत तौर पर हर हफ्ते बैठकर यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे, बैठेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। अभी कल हमने लघु सिंचाई एक्सियन और केन कैनाल दोनों पर इस संबंध में समीक्षा करने के लिए बुलाया गया है। आगे एक समीक्षा की जो भी स्थितियाँ होंगी आपके समक्ष चर्चा होती रहेगी। नाइन भारत के लिए शिव विलास शर्मा, बांदा, उत्तर प्रदेश।